नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हवा की गुणवत्ता फिर से खराब होने के कारण दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र स्मॉग की मोटी परत से ढक गया है। दिल्ली और नोएडा के निवासियों को खुलकर सांस लेने में कठिनाई हो रही है और वे इससे बीमार भी पड़ रहे हैं। आनंद विहार की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 दर्ज किया गया, जिसे 500 तक के पैमाने पर बहुत गंभीर माना जाता है। रिपोर्टों का कहना है कि हवा की गुणवत्ता में ये अचानक गिरावट हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के कारण है, जो हर साल इस समय के दौरान होती है। हरियाणा में खेत में आग ने 2000 के निशान को पार कर लिया है, क्योंकि राज्य ने बुधवार को लगभग 88 पराली जलाई। इससे सभी पड़ोसी शहर और राज्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सीपीसीबी ने कहा है कि अगले 5 से 6 दिनों तक AQI बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में रहेगा। दिल्ली की AQI रीडिंग रिकॉर्ड 424 के रूप में देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। वायु गुणवत्ता का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने कहा कि बुधवार को प्रदूषण की समस्या कम हो सकती है, लेकिन यह खेतों की आग के कारण शहरों को पीड़ित करना जारी रखेगा। सीपीसीबी ने कहा कि हवा की गुणवत्ता में ये भारी गिरावट न केवल गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को प्रभावित करती है, बल्कि स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित करती है। मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी भी की गई है कि पूरे सप्ताह, खासकर शुक्रवार तक, गुणवत्ता गंभीर बनी रहेगी, लेकिन हवा की गति और दिशा बदलने के साथ ही सुधार हो सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी कि AQLI में ऊर्जा नीति संस्थान ने यह भी कहा कि इस तरह की गंभीर गुणवत्ता से निवासियों की जीवन प्रत्याशा लगभग 10 सालों तक कम हो सकती है। लेकिन दिल्ली प्रदूषण समिति ने निवासियों को चेतावनी दी है कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पराली जलाने वाली चोटियों के कारण हवा की गुणवत्ता और भी गंभीर हो सकती है। अब सरकार इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम करती है, यही चर्चा का विषय है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।